जनपद संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 5 पशु तस्कर गिरफ्तार। योगी जी की पुलिस का ऑपरेशन शूटआउट लगातार जारी है और पुलिस अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में जनपद संभल की सदर कोतवाली पुलिस को मुठभेड़ से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पशु तस्कर संभल की तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद सदर कोतवाली प्रभारी विकास सक्सेना ने पुलिस बल के साथ उनकी हाफिजपुर गाँव के जंगल में घेराबंदी की और बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक सिपाही प्रिंस कुमार गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में सादिक उर्फ गटुआ भी गोली लगने से घायल हो गया, जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस विषय में पुलिस अधीक्षक संबल यमुना प्रसाद ने बताया कि संबल कोतवाली प्रभारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश संबल की तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद कोतवाली प्रभारी विकास सक्सेना ने पुलिस बल के साथ बदमाशों की हाफिजपुर के जंगलों में घेराबंदी की तो उन्होंने रुकने की जगह पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से एक सिपाही घायल हो गया, जबकि पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में गोली लगने से एक बदमाश भी घायल हो गया। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से एक सेंट्रो कार, 3 अवैध तमंचे व जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए, जबकि सादिक उर्फ कटुआ के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही इनके 4 साथी भी गिरफ्तार किए गए, जबकि 2 मौके से भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में आज सुबह सूचना मिली थी कि कुछ पशु तस्कर संभल की तरफ आ रहे हैं, जिसमें उन्हें हाफिजपुर गांव के जंगल में रोकने का प्रयास किया गया, तो वहां पे उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल प्रिंस कुमार घायल हुआ। इसी के साथ जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसमें एक अपराधी सादिक उर्फ गटुआ घायल हुआ है और इसके ऊपर कई आपराधिक केसेस हैं। इसके 4 साथी और गिरफ्तार हुए हैं और 2 साथी मौके से फरार हुए हैं, सभी को हॉस्पिटल भेजा गया। इनके पास से एक सेंट्रो कार, 3 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। इन सभी को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।